नमस्कार, इंटर न्यूज देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी जबलपुर से जुड़ी हुई आपको दे देते हैं। तो जबलपुर में 27% ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई आज होने जा रही है और आज सुनवाई होगी तो नए चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच आज सुनवाई करेगी इस मामले को लेकर के। दरअसल आरवी मलिमथ की डिवीजन बेंच आज सुनवाई करने जा रही है। 27% ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई होने जा रही है। फिलहाल प्रदेश में बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण जारी है। जबलपुर में 27% ओबीसी आरक्षण पर आज सुनवाई की जानी है, लेकिन जो आरक्षण बढ़ाया गया था तो आज जबलपुर हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई होने जा रही है और आरवी मलिमथ की डिवीजन बेंच आज सुनवाई करने जा रही है। फिलहाल प्रदेश में बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण जारी बताया जा रहा है, तो सुनवाई तो होनी है, लेकिन इससे पहले भी जो जानकारी सामने आई थी और अब तक ये जो 27% ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने की बात कही जा रही थी वो अब फिलहाल जारी है, लेकिन आज इसे लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो हाईकोर्ट में आज 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के जबलपुर में सुनवाई की जाएगी। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, जो 27% ओबीसी आरक्षण का मामला चल रहा है आज सुनवाई होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि पहले से ही लागू है, इसको लेकर के और क्या कुछ जानकारी? राजेश माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज लग रहा है म्यूट है वहां से। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, आज अहम सुनवाई इस मामले पर होनी है। 13% से बढ़ाकर 24%, 27% ओबीसी आरक्षण किया गया था, उसको लेकर 40 से ज्यादा याचिकाएं हैं जो पक्ष में और विपक्ष में जो समर्थन करने वाली है। उसके अलावा जो विपक्ष में जो विरोध करने वाली वो याचिकाएं हैं जिन पर आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जो चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच है, वो पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। अगर बात की जाए तो जो बढ़ा हुआ आरक्षण है वो 3 मामलों को छोड़कर बाकी सभी में सामान्य प्रशासन विभाग ने बीच में आदेश दिया था, उसमें जारी है। जो अगर बात की जाए तो लगातार अगर बात की जाए, पहले भी सुनवाई हुई है, लंबी सुनवाई हो चुकी है इस पूरे मामले पर। सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह पक्ष अभी तक रखा जाता रहा है कि क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग की आबादी है वो 50% से ज्यादा है, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो बढ़ा हुआ वो ओबीसी आरक्षण है वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जो चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं वो भी लगातार इस बात को अपने कोर्ट के सामने रखती रही है कि जिस प्रकार से जो इंदिरा सहानी जजमेंट है 1991 का दिल्ली का, इसके अलावा हाल ही में मराठा आरक्षण का जो जजमेंट आया था उसमें साफ तौर पर है कि किसी भी कीमत पर जो तय आरक्षण की सीमा है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर मध्य प्रदेश में आरक्षण की सीमा देखी जाए तो अभी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को भी जोड़ लिया जाए तो 73% आरक्षण होता है, इसको चुनौती दी गई है। आज इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई होगी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पक्ष रखना है ओबीसी समर्थन में, तो देखना होगा कि क्या कुछ नए तर्कों के साथ आज फिर एक बार सरकार तर्क रखती है और क्या कुछ विरोध जो कर रहे हैं, जो जिनका जिनने चुनौती दी है उनकी तरफ से क्या कुछ पक्ष इस पूरे मामले पर रखा जाता है और क्या कुछ फैसला आज हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर देता है। लेकिन जब राजेश इस याचिका को दाखिल किया गया था उस वक्त अभी कुछ प्रमाण रखे गए होंगे कि आखिर कहां पर क्या दिक्कतें आ सकती है? 27% जो ओबीसी आरक्षण दिया जाना है उसको लेकर के कई दिक्कतें पहले भी इससे पहले गिनवाई जा चुकी है, तो क्या आज जो सुनवाई हो रही है ये हो सकता है, क्या ऐसा अंदेशा जताया जा सकता है कि आने वाले समय में शायद हाईकोर्ट की तरफ से एक बार फिर से इस जो जिस चीज का फैसला सुनाया गया था उस फैसले को पलटा जा सकता है? देखिए, लगातार जो सुनवाई है वो कई बार हो चुकी है और हर बार सुनवाई में सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा जाता रहा है कि क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है और इस आबादी के लिहाज से कहीं ना कहीं जो 14% आरक्षण को 27% किया गया है वो सही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं उनका भी अपना अलग तर्क है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर को एक आदेश जारी किया था जिनमें जो हाईकोर्ट में जिन मामलों पर रोक है 6 मामलों पर,
उनको छोड़कर बाकी सभी में जो है 27% आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, ये आदेश था। इस आदेश को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, तो इस पर भी आज अहम सुनवाई इस पूरे मामले पर होनी है। तो देखना होगा कि क्या कुछ फैसला जो है वो हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर देता है, क्योंकि दोनों पक्ष जो समर्थन वाले हैं 27% वाले, वो भी अपना पक्ष हाईकोर्ट के सामने रख चुके हैं, और देखना होगा कि क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले को लेकर आ जाता है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।